शुभम दिस इज मी। हाँ बोल ले कुछ अपना। देखो देखो पेट पेट दिखा रहा, थोड़ा दिखा ले, थोड़ा दिखा। पूरा खंडर हो चुका है कैसा कितना। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और आज का जो डेट है वो है 23 जुलाई। तो अभी जस्ट मैं कुछ देर पहले सो के उठा हूँ, फ्रेश हो चुका हूँ। फ्रेश होने के बाद अभी हम लोग जाएंगे प्रैक्टिस करने। तो आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इस वीडियो में बने रहिए और मज़े लीजिए। लेकिन 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 उससे पहले मैं अपना वाला डायलॉग तो बोल लूँ, अपना वाला जो इंट्रो है वो तो बता लूँ। तो हेलो नमस्ते जोहार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्राइबल राइडर खेरवाल। तो आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और चलिए चलते हैं हम लोग प्रैक्टिस करने के लिए। तो मिलते हैं मार्ट में। Wait a minute. हेलो फ्रेंड्स, तो मैं जा रहा था प्रैक्टिस करने के लिए और रास्ते में जा रहा था मैं तो एक बंदा मिला। इतना कमीना है, इतना कमीना है, मतलब क्या ही तारीफ करूं उसका। तो बहुत दिन हो गया मैं उसको बोल बोल के थक गया कि कहाँ है बेटा, प्रैक्टिस करने आ जाओ। पहले तो बहुत डायलॉग मारता था कि मेरे को अपना पेट कम करना है, एक्सरसाइज करना है एवरी डे, मेरे को मतलब एक्सरसाइज करना है, पेट मेरे को कम करना है। और कम से कम दो हफ्ते हो गया, दो हफ्ते से ज़्यादा हो गया, यह अपना मुँह ही नहीं दिखा रहा है। मतलब ऐसा हो गया जैसे होता ना कि चूहे जैसे मतलब बिल्ली को देख के भागते हैं, पूरा वैसा भागा है। तो दर्शन कर लीजिए। हेलो गाइस, और ये है शुभम। दिस इज मी। हाँ बोल ले कुछ अपना। देखो 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 पेट पेट दिखा रहा, थोड़ा दिखा ले, थोड़ा दिखा ले, अच्छे से दिखा ले। और एक मेरा फ्रेंड है और वो तो मतलब वो और ही दर्शन करता है। अभी वो हंस रहा है, किसी को ताड़ रहा है, भाग रहा है। अभी वो देख लो उधर उधर वो लड़की लोग को देख के थोड़ा शर्मा जाता है गाइस। तो शर्माता नहीं हूँ तो वो बोल रहा है शर्माता नहीं हूँ। तो ठीक है अभी चलते हैं। ये लोग तो सुबह सुबह चले गए थे, मतलब मुझे मेरे को बताया भी नहीं। ये लोग 4 बजे निकल गए थे और करने प्रैक्टिस करने चले गए हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ, मैं प्रैक्टिस कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से वहाँ पर जा कर बात करता हूँ। तो अभी मैं इन लोगों से थोड़ा बातें कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को ज्वाइन करता हूँ। हेलो गाइस, तो फाइनली मैं ग्राउंड में आ चुका हूँ और ग्राउंड में आने के बाद पहले मैं एक दो राउंड वॉक कर लेता हूँ। पहले मैं चल लेता हूँ एक दो राउंड, बॉडी को थोड़ा रिलैक्स कर लेता हूँ, हीट कर लेता हूँ हल्का फुल्का, उसके बाद मैं दौड़ना स्टार्ट करता हूँ। और दौड़ने के बाद फिर मैं एक्सरसाइज करता हूँ। तो मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि कहाँ मैं प्रैक्टिस करने आता हूँ। तो वो वाला जो ग्राउंड है मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा कैमरा को मैं रिवर्स करता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा वो ग्राउंड जहाँ पे मैं प्रैक्टिस करता हूँ। और ये जो ग्राउंड है ये वाला मेरा स्कूल का ग्राउंड है, जब मैं पढ़ता था टेंथ तक मैं जिस स्कूल में पढ़ता था उस स्कूल का मार्ट है ये। इसको बोलते हैं पिजन बॉयज स्कूल मार्ट, मतलब ग्राउंड। और ये रहा साइड में ऐसा चलने का रास्ता है, सब लोग चलते हैं ऐसे। और अंदर का सिनेरियो देखिए, वहाँ पे अंकल लोग प्रैक्टिस करते हैं। और आज का जो वेदर है वो बहुत अच्छा खासा है क्योंकि ज़्यादा धूप नहीं है। और ये जो देख पा रहे हैं ये वाला हम लोग का स्कूल बिल्डिंग था पहले पुराना। और अभी मैं आया हूँ, मेरा जो पुराना वाला स्कूल है उस स्कूल को मैं दिखाना चाहता हूँ कि कैसा हो गया। अभी खंडर हो चुका है पूरा क्योंकि वो वाला स्कूल अभी बंद हो चुका है। तो मैं रिवर्स करता हूँ और आपको मैं दिखाता हूँ वो वाला स्कूल। और ये रहा वो स्कूल जहाँ पे मैं 10th तक पढ़ा हूँ, जो कि है बिजोन बॉयज हाई स्कूल। पूरा खंडर हो चुका है कैसा, कितना बड़ा स्कूल था देखिए, पूरा खंडर हो चुका है ये स्कूल, अभी बंद हो चुका है। इतना अच्छा ग्राउंड था पहले पूरा। और
इस रास्ते से जाने से वो ग्राउंड मिलता है जहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं या फिर पहले हम लोग खेलते थे। पहले इतना कुछ इस ग्राउंड में काम नहीं था, पहले ये पूरा खाली था, अभी पूरा बाउंड्री करते हैं अच्छे से इसको मेंटेन। तो मैंने आप लोग को दिखाया मेरा पुराना स्कूल, तो बहुत सारे यादें ताज़ा हो गए। तो पहले मैं आता था स्कूल में साइकिल से, अलग ही उसका एक मज़ा था। पहले बहुत मज़ा करते थे स्कूल में, अभी तो सब बच्चे लोग स्कूल का जाने का जो इंटरेस्टिंग पार्ट होता है वही वो लोग अभी मिस करते हैं, क्योंकि अभी तो सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है क्योंकि कोविड के वजह से सब लोग स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। तो बच्चे लोग तो जो स्कूल जाने का जो मज़ा होता है, जो मस्ती होता है, वही नहीं कर पा रहे, सब घर में बैठ के ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। तो क्या ही बताएं, चलो जो है सो है, ये भी कुछ नया होगा, नया सीखने को मिलेगा। तो अभी हम लोग जाते हैं और थोड़ा दौड़ लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि ब्लॉगिंग करते करते मैं नहीं चाहता कि मेरे एक्सरसाइज का रूटीन वो उल्टा पुल्टा हो जाए। तो अभी मैं फ़ोन को रखता हूँ और मैं दौड़ना स्टार्ट करता हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी मैं दौड़ रहा हूँ, पता नहीं कैमरा कैसा है। बहुत मज़ा आता है जब दौड़ते हैं, थक जाते हैं, तकलीफ़ होता है, लेकिन बाद में जब एक्सरसाइज करने के बाद जब रिलैक्स फील होता है ना, बॉडी पूरा हल्का हल्का फील होता है। तो अभी मैं रख देता हूँ, दौड़ लेता हूँ, उसके बाद आप लोगों से बातें करता हूँ। सो फ्रेंड्स, फाइनली मैं दौड़ चुका हूँ, पूरा थक गया हूँ, पूरा हालत ख़राब है। अभी कूल डाउन करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो बाद में मिलते हैं और थोड़ा कोशिश करूँगा मैं सिनेमेटिक शॉट्स दिखाने के लिए एक्सरसाइज करने का। तो लेट्स गो। फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सिनेमैटिक शॉट जो दिखा पाया एक्सरसाइज करने का, उसके लिए मेरा एक भाई है, दोस्त भी है, कोई जो भी बोल सकते हो, उसने थोड़ा हेल्प किया है और मेरे साथ एवरीडे प्रैक्टिस भी करता है। तो दिखाते हैं उसको, शर्मा रहा है वो थोड़ा। और ये है अमित, और ये मेरे साथ रेगुलर प्रैक्टिस भी करता है और बहुत अच्छा लड़का है और बहुत कुछ सीखने की कोशिश भी करता है, बहुत हार्ड वर्क करता है, और सबसे बड़ी बात ये कम करने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत हार्ड वर्किंग बंदा है और बहुत अच्छा है। आप इसको फॉलो भी कर सकते हो फेसबुक में, इंस्टा में अगर है तो मैं वो भी लिंक दे दूंगा। अच्छा लड़का है, देख सकते हो, किसी को अगर पसंद आए तो थोड़ा। थोड़ा इसके लिए भी थोड़ा कुछ कर देना,
तो चलिए चलते हैं, अभी एक्सरसाइज कंटिन्यू करते हैं और बाद में आप लोगों से बातें करता हूँ। सो गाइस, फाइनली मैं घर आ चुका हूँ ग्राउंड से प्रैक्टिस करने के बाद। तो अभी मैं फ्रेश होता हूँ, उसके बाद मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। बहुत पूरा पसीना पसीना हो चुका है पूरा एकदम, तो मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, फ्रेश हो लेता हूँ, नहा लेता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या करेंगे नेक्स्ट या क्या करना है नेक्स्ट क्या काम। सो फ्रेंड्स, मैं फ्रेश हो चुका हूँ और नहा लिया भी हूँ और कपड़ा वपड़ा भी चेंज कर लिया मैंने, ब्रेकफास्ट भी कर लिया। तो आज का वीडियो बस इतना ही है, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा मैं लंबा नहीं करना चाहता, थोड़ा सा एक एंटरटेनिंग वीडियो था। तो इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो प्लीज़ हिट द लाइक, कमेंट ज़रूर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करना। थैंक यू सो मच। ऐसे ही मिलते हैं दूसरे कोई इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक यू सो मच। गुड बाय।